स्वागत है आप सभी का डीएनएन पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। आप देख रहे हैं 4 बजे चार बड़ी खबर। चार बड़ी खबरों की बात करेंगे। पहली बड़ी खबर की बात होगी मध्य प्रदेश 1 जून से अनलॉक होगा। अलग अलग जिलों के हिसाब से गाइडलाइन जारी होंगी। हालांकि इंदौर की बात करें तो यहां पर गाइडलाइन किस तरह की होगी इसको लेकर आज शाम को या रात तक फैसला हो जाएगा। दूसरी बड़ी खबर की बात होगी, एक बड़ी कार्रवाई की है रेवेन्यू विभाग ने। लगभग 6,19,00,000 रुपए का 3,000 किलोग्राम गांजा बरामद किया है इंदौर से। यह बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर की बात होगी, जूडा ने एक बार फिर अपनी हड़ताल शुरू कर दी है और एक चेतावनी दी है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कल से कोविड वार्ड में भी सेवाएं देना बंद होंगी। और चौथी बड़ी खबर की बात करेंगे, जबलपुर से है। यहाँ पर प्रेम करना एक प्रेमी को महंगा पड़ा है, उसके गांव वालों ने जमकर पिटाई की है, इसका वीडियो भी एक वायरल हो रहा है। तो पहली बड़ी खबर की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक शुरू हो रहा है। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को अनलॉक की राज्य स्तरीय गाइडलाइन भेज दी है। कुछ जिलों को छोड़कर अधिकतर जिलों में अनलॉक में छूट देने की तैयारियां पूरी हैं। भोपाल में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का प्रस्ताव है। इसके अलावा अन्य दिनों में बाजारों की 25% दुकानें खोली जानी है। हालांकि इस पर व्यापारियों का यह कहना है कि कम समय और कम दुकानें खुलने से भीड़ बाजारों में बढ़ेगी और इस कारण सप्ताह में 6 दिन सभी दुकानें खोली जाएं, ये उनका सुझाव है। ग्वालियर की बात करें तो यहां पर 2 शिफ्टों में बाजार खुलेंगे। इंदौर, जबलपुर और सागर में गाइडलाइन को लेकर आज रात तक फैसला हो जाएगा। इसके अलावा दमोह में 7 और मुरैना में 4 जून तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। राजधानी भोपाल में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। और इसको लेकर रविवार की बात करें तो यहां पर वल्लभ भवन में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक भी हुई थी और इसमें रविवार और शनिवार की बात करें तो यहां पर कोरोना कर्फ्यू का प्रस्ताव रखा गया था, क्योंकि अन्य जिलों में ये जो प्रस्ताव है वो शनिवार रात से है। लेकिन भोपाल की बात करें तो यहां पर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का प्रस्ताव रखा गया है। अब भोपाल की बात कर लें तो यहाँ की जो गाइडलाइन है वो भी आज शाम तक पूरी तरह से साफ हो जाएगी। दुकानें जो हैं 25% बाजारों में खुलेंगी। हालत भी सचमुच में बहुत सुधर गई, बहुत अच्छी है अपनी, एकदम कंट्रोल। आज बड़े राज्यों में सबसे पीछे है अपन, ये केवल मणिपुर मिजोरम छोड़ दिया जाए तो सबसे कम केस और सबसे अच्छी स्थिति अगर है तो अपने मध्य प्रदेश की। कल अपन ने 75,417 टेस्ट किए थे, 1200 पॉजिटिव आए। अब जल्दी अपन 1000 के नीचे आके इसको सैकड़ों में समेट कर फिर दहाई पे ले आएंगे, लेकिन अभी सावधानी जरूरी है। मध्य प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट घटके अब 1.6% रह गया है और रिकवरी रेट अपना 95.97 मतलब 96% हो गया है। 100 में से 96 लोग स्वस्थ होके चले गए हैं। इसको और आगे लगातार बढ़ाने की हम लोग कोशिश करते रहे। पॉजिटिविटी रेट 95% से ऊपर हो गई है, जिस तरह से देखा जाए यानी कि जो ठीक होने वालों की संख्या हम उसका जिक्र कर रहे हैं 95% से ऊपर, और संक्रमण दर की बात कर ले वो 1.5% पर आ गई है मध्य प्रदेश की। और सीएम शिवराज ने निश्चित तौर पर यह पहले ही कहा था कि यह सभी के प्रयासों से संभव हो पाया है, लेकिन सावधानियां जो हैं वो अभी भी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तीसरी लहर जो है उसका अंदेशा, उसकी आशंका अभी भी बरकरार है। हम इसी पर चर्चा करते हैं। दो मेहमान चर्चा के लिए मौजूद हैं, परिचय आपसे करवा देते हैं। फोन लाइन पर भानु चौबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत करते हैं। और अशोक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। चौबे जी, शुरुआत में आपसे करूँगा कि 1 जून से अनलॉक की दिशा में मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। केवल इंदौर एक ऐसा जिला है जहां पर गाइडलाइन अभी तय नहीं हुई है, क्योंकि केसेस जो हैं कम जरूर निकल रहे हैं लेकिन जो उम्मीदें थी उस हिसाब से काफी कम है। लेकिन बाजारों को खोलने का जहां तक जिक्र है, व्यापारी ये कह रहे हैं कि अगर 25% दुकानें खोली जाएंगी तो जाहिर है कि भीड़ उमड़ेगी इन दुकानों पर। और ऐसे में पिछले 1.5 महीने का जिक्र करें तो जो कोरोना कर्फ्यू चल रहा था प्रदेश में, ऐसा ना हो ये दाव उल्टा पड़ जाए, तो क्या इस दिशा में एक नया कदम उठाने की आवश्यकता है, दुकानों को खोलने का जहां तक सवाल है? ग्वालियर का उदाहरण सामने रख के बात करें आप तो देखें कि उन्होंने, हालांकि ग्वालियर छोटा बाजार है इंदौर के मुकाबले,
ठीक है, और इतना शायद मैं जहां तक समझ रहा हूँ कि वहां इतनी व्यापारिक एक्टिविटी भी नहीं है जितनी इंदौर में है। तो ग्वालियर के बाजार को उन्होंने दो शिफ्ट में खोलने का फैसला किया है। दो शिफ्ट का मतलब मैं मोटा मोटा ये समझता हूँ कि एक बाजार सुबह से दोपहर तक खुलेगा, दूसरा दोपहर से रात तक खुलेगा। ये छोटा है इसलिए आप कहें कि प्रैक्टिकल है, ठीक है, लेकिन ये बेहतर उदाहरण है कि आप दो बाजारों को अलग अलग रख रहे हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हालांकि अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जो भोपाल के बारे में आपने खबर सुनाई है कि 25% दुकानें खोली जाएंगी, 25% ये फिगर एक तो किस आधार पे आया, क्या सोच के 25 कहा, 30 क्यों नहीं कहा, 50 क्यों नहीं कहा? और दूसरी बात यह कि मेरी एक बात समझ नहीं आती, जिसे अगर कोई स्पष्ट करे तो मैं समझना चाहूंगा कि मरीज जब लक्षण बताता है बीमारी के तो डॉक्टर पहले लक्षण पूछता है फिर इलाज करता है। व्यापारी जब कह रहे हैं कि हमारे हमारी बात सुनिए, हम जो कह रहे हैं हमारी व्यवहारिक बात सुनिए, तो ये आपदा प्रबंध समूह जो है उनकी बात क्यों नहीं सुनना चाहते? जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, उनका ये व्यापारियों का तर्क बिल्कुल ठीक है कि अगर आप सप्ताह में 5 दिन 25% दुकान रोज खोलेंगे तो मारामारी अफरा तफरी भीड़ और ये तो होना ही है साहब, ये तो बड़ा नेचुरल है कि हमारी मेंटेलिटी है कि हम जब खुलता है तब सामान खरीद के इकट्ठा कर लेते हैं। जब ये मेंटेलिटी हम इतने सालों से देख रहे हैं, इतने महीनों से देख रहे हैं, तो फिर अब हमको इस पर गौर करना चाहिए था कि 25% से तो अफरा तफरी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, खास करके घनी बस्तियां हैं उसमें, घने बाजार हैं जो उसमें, भोपाल में आपने देखे होंगे, हमारे यहाँ इंदौर में देखिए मारोटिया भोरा बाजार कितने घने बाजार हैं सर, आपके यहाँ भी बहुत घने बाजार है हनुमानगंज की तरफ उधर आगे निकल जाइए तो ये व्यवहारिक बात नहीं कर रही सरकार, ये मेरी समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। खैर अभी फैसला होना है, शायद ये बात वो सुन रहे हो और फैसला बदले अपना। और दूसरा ये कि अब सुरक्षा का जिम्मा थोड़ा नागरिकों पर छोड़िए और बताइए कि आप ही बीमार होंगे, आप जानी है, ये बात समझ नहीं आ रही। जैसे हेलमेट के बारे में एक बार एक किस्सा आया था कि साहब मरने वाला नहीं अपनी जान की फिक्र कर रहा तो पुलिस क्यों कर रही है? खैर वो तो बात तर्क कुतर्क की थी, लेकिन जब व्यापारी कह रहे हैं तो व्यापारियों को बुला के जिम्मेदारी दीजिए और कानूनन दीजिए कि आप जिम्मेदार होंगे, हम जिम्मेदार नहीं होंगे इसके लिए। बिल्कुल शुक्ला जी, उनका व्यवहारिक जी समझते सुनिए आप, उनकी व्यवहारिक बात को सुनना चाहिए। और मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ कि डॉक्टर को व्यापारियों को इनको समूह में मेंबर बना के उनकी सुननी चाहिए थी रेगुलरली, तो शायद बात ज्यादा अच्छी बनती इसमें। जी जी शुक्ला जी, देखिए एक तो व्यापारी जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप 25% दुकानें खोलने का जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, इस पर एक बार फिर से गौर फरमाइए, क्योंकि अगर बाजारों में भीड़ उमड़ेगी वो उसी हिसाब से उमड़ेगी। अगर भोपाल में 25% दुकानें खुलेंगी, केसेस अभी कम नहीं हुए हैं उस हिसाब से, तो जाहिर है कि अगर आप अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं तो 25% दुकानों के साथ जाना क्या ये सही फैसला होगा? क्योंकि अन्य जिलों की बात करें तो कहीं ऑड और इवन फार्मूले, रीवा में ही हम जिक्र कर लें, ऑड इवन का फार्मूला अपनाने की यहाँ पर बात निकल कर सामने आई है। अन्य जिलों की बात करें, दो शिफ्टों में दुकानें खोलने की बात सामने आई है। तो ऐसे जिले जहां पर संक्रमण दर अभी उस स्तर पर नहीं घटी है, यहां पर क्या करने की आवश्यकता है? जहां संक्रमण की दर चिंताजनक है, वो चाहे इंदौर का मामला हो, भोपाल का मामला हो, वहां आप थोड़ा और सख्ती कर ले या कोरोना कर्फ्यू को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जहां कोरोना संक्रमण अब जो है 1.5% रह गया है और पॉजिटिविटी रेट बहुत जीरो हो गया है, लोग बड़ी तादाद में ठीक हो रहे हैं, तो अभी काफी विस्तार से चौबे जी ने यह बताया है कि बहुत अव्यवहारिक फैसले ले रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस पूरे कोरोना काल के दौरान जो है एक प्रयोगशाला की तरह जो है हम लोगों को समझ लिया गया है, एक राज्य को प्रयोगशाला बना लिया गया है। जब जो चाहे आप फैसले ले लेते हैं, थोप देते हैं। अभी आप लोगों से सुझाव मांग रहे थे, अब अगर व्यापारी ये सुझाव दे रहे हैं कि बाजारों को दो शिफ्ट में खोलिए या ज्यादा खोलिए, आपने 25% का क्राइटेरिया तय किया है, ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये 25% दुकानें खुली रहेंगी और ये 75% बाजार बंद रहेगा? व्यापारियों के बीच में संघर्ष होगा, मारपीट होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, तमाम चीजें की दिक्कतें आएंगी। तो जैसा कि अभी चौबे जी बतला रहे थे कि या तो ग्वालियर ऐसी आप व्यवस्था बना देंगे, दो शिफ्ट, तीन शिफ्ट, चार शिफ्ट कर दें, जिससे ज्यादा स्थानों के बाजार खुले होंगे तो भीड़ कम टूटेगी, और दूसरा आप वैक्सीनेशन बढ़ाइए। आपको सबसे रख दीजिए ना कि बाजार वही खोलेंगे जो वैक्सीनेट होंगे और बाजार सामान खरीदने भी वही लोग जा पाएंगे जिनका वैक्सीनेशन हो गया। इन कुछ शर्तों के साथ आप पूरे बाजार को खोलिए, लोगों को सुविधा दीजिए, अपने समय को चुनने का अवसर दीजिए कि वो अपने समय पे निकल सके, जा सके। आप निश्चित समय के लिए, थोड़े समय के लिए जब आप बाजार खोलेंगे, स्वाभाविक भीड़ टूटेगी। बढ़ती आबादी और घटती सुविधाओं के बीच हम लोग किस तरह से
कितना मुश्किल जीवन जी रहे हैं, और उसमें ये सरकार के व्यवहारिक फैसले, मुझे लगता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट जो है किसी क्राइसिस का समाधान नहीं तलाश रही है, रोज एक नई क्राइसिस तैयार करके हम लोग के सामने रख रही है। और आप जिसपे अभी चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी क्राइसिस है कि आप अनलॉक करने जा रहे हैं और शर्तें आती है कि 25% बाजार खुलेगा, बड़ी दिक्कत है। और मैं यहाँ पर चौबे जी आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि जिस तरह से अभी तीसरी लहर की आशंका बरकरार है, अब अगर आप अनलॉक की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो लोगों के जहन में ये भी बात कहीं ना कहीं रहने की आवश्यकता है कि खतरा अभी पूरी तरह से नहीं टला है। वैक्सीनेशन जो लोग नहीं करवा पाए हैं, जिन्हें वैक्सीन का पहला डोज भी नहीं लगा है, वो भी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाएं, ताकि ये जो आने वाला जो आशंका जताई जा रही है तीसरी लहर की, उस पर कहीं ना कहीं आने से पहले ही काबू पाया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है चौबे जी कि ग्रामीण इलाकों को वैक्सीनेट करने का जो जिम्मा है वो क्या उस स्तर पर नहीं चल रहा है प्रदेश में? क्योंकि अगर अनलॉक की दिशा में कल से हम बढ़ेंगे तो जाहिर है कि ग्रामीण इलाकों में जो दूसरी लहर का खतरा था उस पर ये कहा जा सकता है कि हाँ ये उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि इससे पहले ही काबू में पा लिया गया, लेकिन खतरा अभी भी नहीं टला है। तो ग्रामीण स्तर पर वैक्सीनेशन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्या वो उतने कारगर साबित हो रहे हैं? क्योंकि जो लोग पहुंच रहे हैं, टीम पहुंच रही है टीका लगाने, हम लोग की खबरें आ रही हैं उनके ऊपर। जी हाँ, टीकाकरण बहुत पिछड़ रहा है, बड़ी मुश्किल से शहरों में जो 18-45 के ब्रैकेट में जो टीके लगने से एज में, वो आप जाके कहीं 20-25,000-30,000 रोज लगने लगे हैं इतनी प्रयास और इतने दिन के बाद। ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण अभी भी गति पे नहीं है, अभी भी इतना व्यवस्थित नहीं है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों से दूसरी लहर विदा हो गई, ये किसने सर्टिफाई कर दिया? बीमार अभी भी है साहब, वहाँ बहुत सारे लोग हैं बीमार, और कोई ताज्जुब नहीं कि नए भी हो रहे हो, हमको क्या मालूम है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है उसका। और दूसरा, जो तीसरी लहर की बात आप कर रहे हैं, वियतनाम में ऑलरेडी एक लहर नई हुई है जिसमें इंडिया और ब्रिटेन के संस्करण मिलके एक नए वायरस में तब्दील हो गए हैं कोरोना के, और वो चले हैं वहां और हजारों लोग बीमार हो रहे हैं, और वैज्ञानिकों ने कहा कि ये शायद तीसरी लहर की शुरुआत है। फिर वो एतराज करेंगे सरकार में बैठे लोग के उसको इंडियन वेरिएंट क्यों कह रहे हैं आप। फाउंड इन इंडिया नॉट इंडियन वेरिएंट, ये मतलब है उसका। तो भारत में दिखा है, भारत में मिला, इसलिए भारत में पाया गया कहेंगे हम, ये इसमें कोई गलती नहीं है। तो देखिए, तीसरी लहर आ चुकी है, चल चुकी है, हम ग्रामीणों को ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं अधूरे में। तो ये एक, क्या आप किसी प्रोग्राम को पूरा कर रहे हैं? क्या आप वास्तविकता को देख कर चल रहे हैं? मेरी समझ नहीं आ रहा है, शायद ये वास्तविकता को नहीं देख रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि आपदा प्रबंध समूह में सारे लोग सत्तारूढ़ दल के नेता हैं और अधिकारी हैं, जिनका नेताओं का जनता से संबंध होना चाहिए, लेकिन वहां उनका सवाल अपने पद और प्रतिष्ठा का रहता है, जनता का उतना नहीं रहता है। ये मैं अनुभव से जानता हूं कि उन्हें अपनी इमेज की ज्यादा चिंता होती है, या अधिकारी जो कहते हैं उसमें यश नो करते हैं वो। तो ये बस आप बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, ये फार्मूले आर्मूले से बात नहीं बनेगी। शुक्ला जी का एक सुझाव बहुत अच्छा है, अगर वो व्यवहार में लाए तो, कि आप लंदन में है साहब, जैसे कंजेशन वाले इलाके में जाएंगे तो गाड़ी छोड़िए या पैसा भर के अंदर जाइए, वो खड़े हैं साहब नाका लगा के। आप नाका लगा दीजिए कि टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाइए, हम बाजार में एंट्री देंगे, आप जाइए अंदर। और दुकानदार वही खोल सकेगा जिसका टीकाकरण का नोटिस वहां कांच पे लगा हो कि मेरा हो चुका है साहब, जितने लोग हैं ये आप कर दीजिए, ऐसा अपने आप भीड़ छट जाएगी साहब, कोई नहीं आ जाए। बहुत अच्छा सुझाव है, ठीक है। शुक्ला जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अब जिन जिलों में केसेस हैं, क्या माइक्रो कंटेनमेंट जोन में उस तरह की मॉनिटरिंग हो पाएगी? क्योंकि एक बार इस बात का फिर से जिक्र आया है कि जहां पर जिस इलाके में केस निकल रहे हैं ज्यादा, वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिए जाएं, लेकिन अब जब पूरा अनलॉक हो रहा है तो क्या उस स्तर की मॉनिटरिंग हो पाएगी इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। जब अनलॉक की स्थिति बनेगी तो आप किसी को अगर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाते भी है तो वहां पे आप सख्ती नहीं कर पाएंगे, लोग निकलेंगे, बाजार खुलेंगे तो लोग जाएंगे अपनी जरूरतों के लिए, लोग बाहर निकलते भी हैं। तो जो अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट है वो आम आदमी की व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में नहीं रखता है, और जैसा अभी चौबे जी बता भी रहे थे कि कुछ अधिकारी हैं और कुछ मंत्रीगण जो है वो एक दूसरे का मुंह देखकर फैसले ले रहे हैं, स्थिति बिल्कुल यही है। सबसे पहले अभी सरकार ये कह रही थी कि हम जनता से सुझाव ले रहे हैं, सरकार पहले बता दे कि जनता से क्या सुझाव आए थे और उन सुझावों को कितना महत्व मिला है ये सब फैसले लेने पर। तो बहुत सी चीजें हैं और जनता को शामिल करके, डॉक्टर हैं उसमें, आप व्यापारी हैं, अन्य दूसरे लोग हैं, पत्रकार हैं, समाज के बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है
जो सरकार को इस काम में सहयोग दे सकता है, लेकिन आप उनको फैसला लेने में शामिल तो कीजिए। सरकार बंद कमरे में फैसले ले रही है और जनता पे थोप रही है, आक्रोश तो होगा, स्वाभाविक है। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्ला जी हमसे बातचीत करने के लिए, 24 जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो पहली बड़ी खबर की हमने बात की, दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। इंदौर में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई की है, 6,19,00,000 का गांजा बरामद किया गया है। ये गांजा आम से भरे ट्रक में छुपा कर ले जाया जा रहा था। सूचना के आधार पर इंदौर भोपाल के बीच से दबिश देकर एक ट्रक को पकड़ा गया। ट्रक में आम के साथ 3,092 किलोग्राम गांजा रखा हुआ था। ट्रक राजस्थान के सागर का है। डीआरआई की टीम ने गांजे का अवैध परिवहन कर रहे 3 लोगों को एनडीपीसी एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया है। इन पर आगे की कार्रवाई जारी है। तो हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चलो लौटेंगे। अरे मम्मी, मार्केट जाकर क्यों आ बेल, मुझे मार वाले काम करना है। दीजिए ना फ्रेश सब्जी घर पर ही बुला लो। मुझे नहीं आता ये ऐप ऐप चलाते। अच्छा, मासी के साथ तो चटर बटर करना आता है, व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर कर लो ना। अच्छा, व्हाट्सएप से कर सकते हैं? हाँ, ये देखो। बिल्कुल, डिजियाना फ्रेश से ओजोन वॉश्ड फ्रेश सब्जियाँ और फल ऑर्डर कीजिए व्हाट्सएप या डिजियाना फ्रेश मोबाइल ऐप से, और जल्द से जल्द पाइए अपने घर पर। डिजियाना फ्रेश, बुलाओ फ्रेश, खाओ फ्रेश। डाउनलोड द ऐप नाउ। कल से क्या क्या होगा अनलॉक, कोरोना कर्फ्यू में क्या क्या मिलेंगी छूट, अनलॉक के बाद कितनी होगी सख्ती, सीएम शिवराज सिंह चौहान लाइव शाम 7 बजे। अब आपके मोबाइल पर होगा आपका अपना चैनल DNN। एक क्लिक पर देखिए दिन भर की बड़ी खबरें। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए डिजियाना मीडिया ग्रुप ऐप। मोबाइल पर लाइव देखिए अपना पसंदीदा चैनल DNN। सासू मां की मिर्ची, अजी बहुरानी की मिर्ची, सासू मां की बहुरानी की, सासू मां की मिर्ची और बहुरानी की मिर्ची, बोलो जीत होगी किसकी, जीत होगी किसकी। जीत तो होनी ही थी क्योंकि बहुरानी ने डिजियाना फ्रेश से जो सब्जियां बुलाई थी। डिजियाना फ्रेश, बुलाओ फ्रेश, खाओ फ्रेश। डाउनलोड दी ऐप नाउ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तीसरी बड़ी खबर की बात होगी। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में एक बार फिर इमरजेंसी सेवाएं बंद हो गई है। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जूडा एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ने अगर आज हमारी मांगे नहीं मानी तो मंगलवार से कोविड वार्ड की ड्यूटी भी बंद कर दी जाएगी। बता दें कि जूनियर डॉक्टरों ने सरकार को 30 मई तक उनकी मांगों के संबंध में आदेश जारी करने का अल्टीमेटम दिया था। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के आश्वासन के बाद जूडा ने हड़ताल खत्म कर दी थी, लेकिन एक बार फिर जूडा ने अब हड़ताल शुरू कर दी है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर के जो मेडिकल कॉलेज हैं, यहां पर जूनियर डॉक्टरों की सेवाएं ज्यादा ली जाती हैं। ऐसे में अगर कोविड वार्ड में इन्होंने सेवाएं देना कल से बंद कर दी तो बड़ा प्रभाव इस महामारी के दौर में पड़ सकता है। जो मांगे हैं वो सेम ही हैं कि हमारे सुरक्षा दी जाए जूडा को। जिस तरह से आए दिन यहाँ पे एक कोलेजन होता रहता है जो पेशेंट के जो अटेंडर आते हैं उनके बीच में जूडा के, उसके लिए एक चौकी बनाई जाए उसके लिए।
उसके लिए जो कोविड में जो ड्यूटी में जो कोविड वॉरियर हैं जो डॉक्टर जो इन्फेक्ट होते हैं और उनके जो क्लोज ब्लड रिलेटिव हैं उनके लिए सुविधा दी जाए, अलग से वार्ड रिजर्व किया जाए। उसके बाद 3 साल से हमारे स्टाइपेंड में कोई वृद्धि नहीं हुई, जो सरकार का एक प्रॉमिस था कि हर साल 6% की इंक्रीमेंट होगा, वो चीज़ इंक्रीमेंट नहीं हुआ है अभी तक। जिन वादों को सरकार ने माना था उस पर अब वो वापस हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुखिया, जो इस प्रदेश का पूरा अपने वो भांजा भांजी बोलते हैं हम लोग को, डॉक्टरों को या जितने भी बच्चे हैं उनको, इस चीज़ में इंटरवेन करे, तुरंत हमारा ऑर्डर निकाले, ताकि इस ग्रेवियस सिचुएशन में जब 1.5 साल से पूरा जुड़ा अपने तन मन जान लगा के जब काम कर रहा है उसके लिए फिर से लौट पाए और जल्दी से जल्दी हमारे। तो जुड़ा ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे आज रात तक नहीं मानी गई तो वो कल से जो कोविड वार्ड में सेवाएं दे रहे हैं अभी वो भी बंद कर दी जाएगी। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार का रुख क्या होता है इनकी मांगों को लेकर। चर्चा करेंगे, हमारे साथ चौबे जी लगातार बने हुए हैं और फोन लाइन पर हमारे साथ प्रदीप तिवारी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत करते हैं तिवारी जी। चौबे जी देखिए, इस महामारी के दौर में वैसे ही जो संविदा डॉक्टर्स थे वो पिछले दिन हड़ताल पर चले गए थे, उन्हें मनाया, तो जूडा ने अपनी जो मांगे लंबे समय से, लगभग 3 साल से स्टाइपेंड उनका रुका हुआ है और भी कई मांगे हैं, उसको लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन अब बड़ा असर तो तब होगा अगर उन्होंने गलती से कोविड में जो सेवाएं दे रहे हैं वो बंद कर दी, तो फिर किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराएंगी प्रदेश में? अब क्या लगता है, सुलह होगी सरकार के बीच इनकी? देखिए साहब, हफ्ते भर पहले जब हमने इस विषय पे बात की थी तो मैंने मेरा मत था कि जूडा को इस वक्त ये हड़ताल नहीं करनी चाहिए थी और सरकार को भी चाहिए था कि आश्वासन दे देना था। जब आप कह रहे हैं कि मांग ठीक है, हम मंजूर कर सकते हैं, तो कर देना चाहिए थी। और लेकिन आज स्थिति भिन्न है साहब, आज जूडा ने जो किया है उसके लिए विश्वास सारंग साहब जिम्मेदार है और मैं अखबार का व्यक्ति रहा हूं, अगर मैं इसका हेडिंग लगाता तो लिखता कि मंत्री के हज के कारण हड़ताल फिर शुरू। जी हाँ, क्योंकि आपको इतना वक्त मिला, आपको इतना मौका मिला, आपको सोचने की बात मिली, आपने विचार भी कर लिया और आपने कन्वे भी कर दिया ओरली कि हम मंजूर कर सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, तो आप उसको फिर इतना अगर टालेंगे तो ये आपराधिक ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात के जो 3 साल से पेंडिंग है स्टाइपेंड, वो क्या 3 साल में आपको एक भी दिन का समय नहीं मिला कि बैठ के आप फैसला कर सकते हैं इस बारे में? यह ऐसी कैसी व्यस्तता है और ऐसा कैसा व्यस्तता किसके लिए है आपकी? फिर अगर आप मंत्री पद के दायित्व का संभाल नहीं रहे हैं तो व्यस्त आप कहां हैं फिर बताइए, क्या काम देख रहे हैं आप? आप उधर निरीक्षण कर रहे हैं, अस्पतालों की दयनीय हालत है आपको खुद देखने को मिल रही है, इधर कर्मचारियों का ये दशा है, तो फिर आप कहां व्यस्त हैं मुझे बताइए। तो ये जूडा को हड़ताल की बात ठीक है, लेकिन अब जूडा को ये देखना चाहिए कि अगर कोई बहुत इमरजेंसी पेशेंट है तो कम से कम उनकी देखरेख तो बंद ना करेंगे। जी ठीक तिवारी जी, तकरार जो लंबे समय से चली आ रही है जूडा और सरकार के बीच, कोरोना काल में जब ज्यादा आवश्यकता है जूडा की और कोविड वार्ड में सेवाएं देने बंद करने की चेतावनी दे चुकी है जूडा, तो अब क्या बीच का रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर मंत्री जी ये मान रहे हैं कि हाँ ठीक है इनकी मांगे जायज हैं, तो लटका कर क्यों रखा गया है फिर? वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जूडा को थोड़े से इन कदमों को देरी से उठाना चाहिए, चूंकि अभी जो वैश्विक महामारी से हम जूझ रहे हैं इस कोरोना काल की बीमारी से, तो मुझे लगता है कि कर्मचारियों को थोड़ा इनसे हट के अभी और मानवता के दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और बहुत अभी समय है आगे भी मांगे मनवाने का सरकार से, चूंकि अभी 4-6 महीने और आगे बढ़ के और ले सकते थे, ये मांगे मंगवा सकते थे, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार के ऊपर इस तरह का दबाव नहीं बनाना चाहिए। और सरकार को भी अगर इनका पुराना लंबित मामला है कर्मचारियों को, तो पहले से ही निराकरण करने का विचार करना चाहिए था। अभी वर्तमान स्थिति में जो है, अगर जूडा के सारे कर्मचारी चले गए हड़ताल में, तो मुझे लगता है कि अस्पतालों की हालत खराब हो जाएगी। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को भी एक प्रबंध समिति बना करके और इनके जो मुद्दे हैं उसका निराकरण करने की आवश्यकता है। अब आपको ये जरूर है कि जूडा जो है किन मांगों को लेकर उनकी मनवाने शर्तें मानने के लिए तैयार है, सरकार किन मांगों को नहीं मानने के लिए सरकार है, ये दोनों के बीच का मामला है। तो इसको सुलझाने के लिए सरकार को भी प्रयास करना चाहिए और कर्मचारियों को ये चाहिए कि अभी जो जिस परिस्थितियों में सरकार लड़ रही है, लोग लड़ रहे हैं इस महामारी से, तो आने वाले कुछ समय बाद इन हड़तालों को के माध्यम से मांगे मंगवाए, तो इसलिए जूडा को भी थोड़ा सा नम्रता का विनम्रता का एहसास सरकार को कराना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तिवारी जी हमसे बातचीत करने के लिए। चौबे जी आप हमारे साथ लगातार बने रहे।
आप भी ही शुक्रिया यहाँ पर हम अदा करते हैं। तो तीन बड़ी खबरों की हमने बात की, चौथी और आखिरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं जबलपुर से। यहाँ पर एक युवक को नाबालिग किशोरी के साथ प्रेम करना महंगा पड़ा। किशोरी के परिजनों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की, उसका सिर मुंडवाया, जूते चप्पलों की माला पहनाई गई। शिकायत के बाद चरगमा पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर चारों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में मीडिया से बात करते हुए एसपी ने कहा है, जब ये मामला सोशल मीडिया या किसी चैनल में चल जाएगा तब मैं बाइट दूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो 4 बजे 4 बड़ी खबरों में इतना ही। DNN पर खबरें लगातार जारी। नमस्कार।